ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस कितना बड़ा मछली पकड़ा है। इसको मैं पकड़ा हूँ गाइस, देखिए मेरे द्वारा एक तो मछली दिख रहा होगा आपको, भाग रहा है गाइस। ये देखिए कितना सारा पकड़ डाले हम लोग अभी मछली, और दिखाते हैं गोलू भाई निकालेगा अभी, निकाल गोलू। देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसा वीडियो हम आपको और दिखाते रहेंगे। देखिए जितने सारे पीस पकड़े गाइस। तो गाइस आज हम नहीं जा रहे हैं, देखिए अंधेरा हो गया है और कितना सारा पीस पकड़े दिखाते हैं। ये देखिए गाइस आज का शिकार मिला है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस हमारा दिन भर में इतने फसल गाइस, कितना मेहनत करना पड़ता है। देखिए ये मेरा भाई, ये हमारा राम, और देखिए अंधेरा हो गया गाइस, सूरज का नामो निशान नहीं है। सो गाइस आज हम मछली पकड़ के लाए थे, देखिए सारे पकड़े हैं। मेरे भाई इसको साफ कर रहा है, अब इसे हम लोग देखिएगा नमक मिर्ची डालो के दम देसी स्टाइल में बनाएंगे गाइस, कैसे कैसे साफ करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। हमारा मछली साफ हो गया, अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं। धनिया, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद इसे हम लोग तवा में फ्राई करेंगे देसी स्टाइल में, आप बने रहिए। तो गाइस हमारा मछली देखिए मैरिनेट होने के लिए तैयार हो गया है, नमक मिर्ची साथ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी ये तवा में जाके फ्राई होगा, यहाँ पर हमारा तवा चूल्हा में लग गया है, आप वीडियो में बने रहिए। सो गाइस हमारा तवा देखिए तेल गर्म हो गया तवे में, यहाँ पर हमारा पीस पारी पारी से जाएगा। देखिए गाइस कैसे हम लोग फ्राई करते हैं, देखिए गाइस पीस हमारा तवा में फ्राई होने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ आग का जो आग का स्वाद है गाइस, इसका स्वाद आप। सो गाइस देखिए हमारा फिश तल के रेडी हो गया है, हमारा देसी रेसिपी आपको कैसे लगा। चूल्हा के साथ देखिए चूल्हा में आग लगा हुआ है, और ये हमारा फिश इतना मस्त दिख रहा है गाइस, इसको खाने में और भी आनंद आएगा। देखिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।